यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है, चुनाव में धर्म सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं आनी चाहिए, विराम, अगर चुनाव में ये बातें सामने आती है तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए, विराम, यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं, विराम, ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, विराम, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है, विराम, सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है, विराम, शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका, विराम, इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है, विराम, पैराचेंज, अतएव अब समय आ गया है कि धर्म सांप्रदायिकता जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक-ठीक परिभाषित किया जा सके, इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए, विराम, उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता, विराम, इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है, विराम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं, विराम, लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत जरूरत है, विराम, इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए, विराम, यह सब चीजें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती है, विराम, सुप्रीम कोर्ट ने 63 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदुवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं, विराम, ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है, विराम, केवल हिंदू नाम को अछूता व सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करारा झटका लगेगा, वहीं
अदालत ने इस शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। विराम स्टॉप।